नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ से खुद को बाहर बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी। विजयवर्गीय पार्टी नेताओं से चर्चा करने जबलपुर आए हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बुंदेलखंड की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इस उम्र में भी दिग्विजय सिंह यात्रा निकालने का जज्बा रखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन उनकी यात्रा का परिणाम है किसी को मालूम है, वे कितनी भी मेहनत कर ले कांग्रेस सरकार नहीं बन रही। उनकी यात्रा से भाजपा को ही फायदा होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है। यह अच्छा हुआ कि 2018 में कांग्रेस की 15 मास सरकार बनी, जिसमें जनता से कांग्रेस का कुशासन देख लिया। कुछ कौन लेता है मेरा नाम, आप लोग ही लेते हैं। हमारे यहाँ इस पर कोई चर्चा ही नहीं। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे, पर अखबार में जब सुबह देखते हैं तो खबर पढ़ते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी। ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शिवराज जी का नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। सर, इंदौर में जो हादसा हुआ था सर, ये दुखद घटना थी, कभी भविष्य में दोबारा ना होना चाहिए। देखिए, वहाँ की परिस्थिति एकदम अलग है। TMC अपने विरोधियों को मारती है, पर TMC के अंदर जो गुटबाजी है वो एक दूसरे को मारते हैं। और कुल मिलाकर TMC एक पार्टी नहीं है, एक गिरोह है जो उस प्रदेश को लूटने का काम कर रहा है। और गिरोह के लोग आपस में टकराते रहते हैं। शराब को करते वही बहुत है। प्रदेश बचाने की बात तो छोड़िए, प्रदेश तो अच्छे सुरक्षित हाथों में है और जनता जानती है प्रदेश किन हाथों में सुरक्षित रह सकता है। और इसलिए कांग्रेस बचाएं, ये बात जरूर है कमलनाथ जी। ये मैं जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सलाह दूंगा और कमलनाथ जी को भी सलाह दूंगा। केंद्र में अगर तमाम विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं, वो एकजुट हो रहे हैं राहुल जी के मुद्दे पर। काहे के मुद्दे? राहुल गांधी जी की सदस्यता बर्खास्त करने के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल जो है एक मंच पे आ रहे हैं। ऐसा है कि वो एक साथ दिखाई देते हैं, पर वहाँ से निकलते ही सबका मत अपना अपना होता है। कल शरद पवार जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि कोई इशू नहीं है देश की राजनीति का, और इसलिए नान इश्यू को नहीं उठाना चाहिए। तो समझ में आ गया सारे विपक्ष को भी। मुझे नहीं लगता है कि कोई आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष या कांग्रेस कोई चुनौती। मैं नशे के खिलाफ हूँ, पर इस प्रदेश में काफ़ी बड़ी आबादी आदिवासियों की भी है, उनकी प्रथाओं के अंदर शराब का महत्व रखना है। इसलिए एकदम बंद हो ये तो संभावना कम दिखती है, पर लोगों को इसका उपयोग कम से कम करना चाहिए, मैं सलाह जरूर दूँगा। कांग्रेस की यात्रा निकाल रही, कमलनाथ लाओ सरकार बचाओ,